ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। खबर रोहतास जिले के करेगर से है, जहां सिरसिया कथराई पथ का सासाराम के सांसद छेदी पासवान के नाम की लगी शिलापट्टी को तोड़ने के विरुद्ध में करेगर के बीडीओ मोहम्मद असलम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बीडीओ मोहम्मद असलम ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सासाराम चौसा पथ से सिरसिया कतराई पथ के निर्माण के लिए बस 2018 में सांसद छेदी पासवान द्वारा शिलान्यास पर शिलापट लगाई गई थी। 21 किलोमीटर लंबी सड़क में बसे दर्जनों गांव के ग्रामीणों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिरसिया कतराई पथ का निर्माण किया गया था, लेकिन बीते दिन पहले सड़क के किनारे ट्रैक्टर से मिट्टी गिराने के दौरान सिरसिया निवासी नथनी सिंह के शिलापट को तोड़ देने के बात सामने में आई थी, जिसकी शिकायत सांसद कार्यकर्ताओं ने किया था तथा शिलापट को मरम्मत कराने की मांग भी की थी। वीडियो ने बताया कि मैंने स्वयं उक्त व्यक्ति से मिलकर शिलापट मरम्मत कराने की बात कही, लेकिन उसने मरम्मत आज तक नहीं कराया। तब सिरसिया निवासी चना चौधरी ने के पुत्र नथनी सिंह के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज कराई गई है और उनकी जाँच की जा रही है। शिलापट तोड़ने के मामले में आपके द्वारा करेगर थाने में आवेदन दिया गया, सर क्या मामला है? सही बात है, नथनी सिंह नाम के व्यक्ति जिसके पिता का नाम चना सिंह है, ज्ञात हुआ कि मट्टी भरने के क्रम में जो है शिलापट को तोड़ दिया है, तो उसी के लिए आवेदन दिया गया। उसी के लिए जो है सर कहाँ की घटना है? सिरसिया मोड़ पर थी।